अपनी शहादत से पूर्व अपने साथियों को लिखे गए अंतिम पत्र में भगत सिंह ने लिखा कि साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। शहीद भगत सिंह साम्राज्य विवाद के खिलाफ भारतीय जनता के संघर्ष के सबसे उज्जवल नायकों में से एक रहे हैं। सिर्फ 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में शहीद होने वाले इस नौजवान को भारतीय जनता एक ऐसे उत्साही देश प्रेमी नौजवान के रूप में आज भी याद करती है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से बिना किसी समझौते के लड़ाई लड़ी और अंत में अपने ध्येय के लिए शहीद हुए। लेकिन आज हम जिस दौर में हैं, वहाँ बहुत कम ही लोग भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों के विचारों से सही मायने में परिचित हैं। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों के लेख और दस्तावेजों का व्यापक रूप से उपलब्ध न होना इसकी बड़ी वजह बन रहा है। भगत सिंह उन विरले विचारकों में से एक थे जो उस समय ही ये बात जोर देकर कह रहे थे कि केवल अंग्रेजों के भारत से चले जाने मात्र से आम जनता की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, जब तक कि इस शोषणकारी व्यवस्था को ना बदला जाए। भगत सिंह ने जेल में 4 पुस्तकें व एक लेख लिखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से काफी कुछ जेल से चोरी छिपकर बाहर लाने के क्रम में नष्ट हो गया। अंग्रेज सरकार ये नहीं चाहती थी कि भगत सिंह के विचार आम जनता तक पहुंचे। इस सामग्री को अपने पास रखने के जुर्म में भारी जुर्माने के डर से भगत सिंह का यह लेखन एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहा और इस दौरान नष्ट भी होता रहा। शहादत से कुछ दिन पूर्व लिखा गया लेख मैं नास्तिक क्यों हूं और ड्रीमलैंड की भूमिका सौभाग्य से उनके पिता के हाथों चोरी छुपे जेल से बाहर आ गया और उन्होंने इस लेख का प्रकाशन जून 1931 में साप्ताहिक अखबार द पीपल में करवाया। इस अखबार की शुरुआत लाला लाजपत राय ने की थी। इस लेख के प्रकाशन के बाद अखबार पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन फिर भी इस लेख का प्रकाशन व वितरण गैर कानूनी रूप से अनवरत जारी रहा। मैं नास्तिक क्यों हूं और ड्रीमलैंड की भूमिका भगत सिंह की तीक्ष्ण बुद्धि, गहन अध्ययन और कठिन विषयों पर उनकी समझ व इन सभी बातों के आम लोगों की भाषा में व्यक्त करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। दिल से निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक भगत सिंह हंसते हंसते अपने देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। वे अपने आखिरी वक्त में भी बेहद इत्मीनान थे। जेल में रहते हुए भी भगत सिंह लगातार पढ़ते लिखते थे। भगत सिंह चाहते थे कि उनके जेल में रहते हुए भी आजादी की लड़ाई की गति धीमी नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए वे अपने दोस्तों को अक्सर खत लिखा करते थे। दोस्तों से अक्सर जेल में किताबें मंगवाते थे। उन किताबों को पढ़कर वो उनके नोट्स भी बनाते थे, जिन्हें बाद में ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी शामिल किया गया। भगत सिंह ने ही इनकलाब जिंदाबाद का शक्तिशाली नारा गढ़ा, जो स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय नवयुवकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। लाहौर जेल में अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथी लाला राम सरन दास की काव्य कृति द ड्रीमलैंड की भूमिका लिखी थी। यहाँ भगत सिंह कहते हैं कि जब मेरे दोस्त लाला राम सरन दास ने मुझे अपनी काव्य कृति द ड्रीमलैंड की भूमिका के बारे में लिखने को कहा तो मैं काफी हैरान था, क्योंकि ना तो मैं कोई कवि हूँ, ना कोई साहित्यकार हूँ और ना ही पत्रकार या आलोचक हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा ये मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मुझे अपने दोस्त की ख्वाहिश पूरी करने के अलावा कोई और रास्ता दिख भी नहीं रहा, क्योंकि मैं कोई कवि या साहित्यकार नहीं हूँ, इसलिए मैं उस दृष्टिकोण से इस काव्यकृति पर बहस नहीं करने जा रहा, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं उसी दृष्टिकोण से अपना मत यहाँ रख सकता हूँ। नियमानुसार एक किताब की भूमिका हमेशा वही इंसान लिखता है जो लेखक के विचारों से समानता रखता है, लेकिन यहाँ मामला काफी अलग है। मैं अपने मित्र से सभी मामलों में एकमत नहीं हूँ और वो भी मेरी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मैं जो भी कुछ लिखने जा रहा हूँ वो कम से कम इस पुस्तक ड्रीमलैंड की भूमिका नहीं हो सकती, लेकिन ये काफी हद तक इसकी आलोचना हो सकती है, इसलिए इसका स्थान पुस्तक के अंत में होना चाहिए, न कि आरंभ में। भगत सिंह आगे कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में ड्रीमलैंड का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश में आंदोलन के जो भी हालात हैं उसमें वो एक जरूरी खालीपन को भरती है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में चले आ रहे आंदोलनों में उस आदर्श की कमी रही है जिसकी प्राप्ति के लिए वो किए जा रहे थे। मुझे अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद सिर्फ गदर पार्टी को छोड़कर एक भी ऐसी क्रांतिकारी पार्टी नहीं मिली जिसके सामने ये विचार स्पष्ट हो कि वो आखिर लड़ किस लिए रही है। सिर्फ गदर पार्टी ने अमेरिका
अमेरिकी प्रणाली की सरकार से प्रेरित होकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो मौजूदा सरकार की जगह एक गणतांत्रिक ढंग की सरकार कायम करना चाहते हैं। और अन्य सभी पार्टियों के पास केवल ऐसे लोग थे जिनके पास केवल एक विचार था, और वो ये था कि उन्हें विदेशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष करना है। ये विचार पूर्ण रूप से सराहनीय विचार है, लेकिन इसे एक क्रांतिकारी विचार नहीं कहा जा सकता। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्रांति का अर्थ मात्र उथल पुथल या रक्त रंजित संघर्ष नहीं होता, बल्कि क्रांति का अर्थ मौजूदा आतताई सरकार को पूरी तरह से ध्वस्त करने के बाद एक नए बेहतर और सभी के द्वारा स्वीकार पुनर्निर्माण का कार्यक्रम भी निहित रहता है। भगत सिंह कहते हैं कि भारत के कुछ उदारवादी नेता ऐसे भी हैं जो वर्तमान मौजूदा अंग्रेजी शासन को सही मानते हैं और बस उसमें कुछ सुधार चाहते हैं, जबकि क्रांतिकारी विचारधारा के लोग अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। और उन्हीं में एक क्रांतिकारी थे लाला रामशरण दास। लगातार क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ने के बाद वे गदर पार्टी में शामिल हो गए। गदर पार्टी साम्राज्यवाद के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष का ऐलान और भारत को पूरी तरह आजाद करने की मांग करने वाली एक ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जो कैनेडा और अमेरिका में प्रवासी भारतीयों ने सन 1913 में बनाई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में वो क्रांति लाना था जिससे अंग्रेजी नियंत्रण से भारत को आजाद करवाया जा सके और इसके बाद भारत का एक बेहतर पुनर्निर्माण किया जाए। इस पार्टी के प्रयासों ने पूरी दुनिया में रह रहे प्रवासी भारतीयों को भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। भारत में अमृतसर को गदर पार्टी के कंट्रोल सेंटर के रूप में प्रयोग किया गया, जिसे बाद में लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। भगत सिंह कहते हैं कि रामशरण दास को सन 1915 में मौत की सजा सुनाई गई थी, पर बाद में उसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। लेकिन आज जब मैं खुद को कालकोठरी में बैठा हुआ पाता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आजीवन कारावास की सजा मौत की सजा की अपेक्षा कहीं ज्यादा कठिन सजा है। लाला रामशरण दास ने पूरे 14 वर्ष जेल में काटे और ये कविता ड्रीमलैंड उन्होंने दक्षिण भारत की किसी जेल में लिखी थी। लेखक की उस समय की मानसिक स्थिति और मानसिक संघर्ष का इस कविता पर स्पष्ट प्रभाव है, जो इसे और भी अधिक दिलचस्प बना देता है। जिस समय लाला रामशरण दास ने इस कविता को लिखने का निर्णय किया, उस समय वो निराशा के भावों से लड़ रहे थे। उन दिनों उनके बहुत से साथी माफीनामा देकर जेल से छूट चुके थे, क्योंकि उन सभी के सामने बड़े बड़े लोभ लालच थे। अपने परिवार, पत्नी और बच्चों से मिलने की उन सभी की लालसा उन्हें अपनी मुक्ति के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन इन हालातों में भी लाला रामशरण दास ने इन सभी बातों के विरुद्ध मानसिक रूप से कठिन संघर्ष किया और अपना ध्यान इस रचना ड्रीमलैंड लिखने की ओर मोड़ दिया। कविता के प्रारंभ में वो इसका वर्णन भी करते हैं। मुझे हर समय घेरे रखने वाले मेरी पत्नी, बच्चे और मित्र, वे चारों ओर घूमते जहरीले सांपों के समान थे। आगे इस पुस्तक के प्रारंभ में जो बातें कही गई वो पूर्णतया ईश्वर और उसकी महिमा के दर्शन पर आधारित है, और मैं भौतिकतावादी आदर्शों को मानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ लेखक से बहुत व्यापक मतभेद रखता हूँ। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि लेखक ने इसे काफी सौंदर्य और आकर्षण के साथ प्रस्तुत किया है, जो काफी उत्साहप्रद है। नींव के पत्थर बनो, अनजाने अज्ञात, और अपने सीने पर सहो खुशी खुशी विशाल भारी भरकम का बोझ। पालो आश्रय कष्ट सहन में, मत करो ईर्ष्या शीश पर जड़े पत्थर से, जिस पर उड़ेली जाती है सारी लौकिक प्रशंसा। भगत सिंह आगे कहते हैं कि मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि जब मनुष्य ऐसे कार्यों के लिए जीता है जहाँ उसे ये पता होता है कि कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है, फिर भी वो लगातार अपने कार्य को करता रहता है और एक जोखिम भरी जिंदगी जीता है, सिर्फ वो ही व्यक्ति ईश्वरी सत्ता को चुनौती दे सकता है। भगत सिंह कहते हैं कि अपनी पुस्तक में उन्होंने एक क्रांतिकारी मानसिकता का वर्णन किया है। लाला रामशरण दास जिस क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य थे, उसे कई हिंसात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन उनकी ये किताब बताती है कि क्रांतिकारी विध्वंस में सुख का अनुभव करने वाले खून के प्यासे राक्षस नहीं होते, बल्कि कभी कभी ये परिस्थितियों की मांग बन जाती है। अगर जरूरत हो तो उग्र बनो ऊपरी तौर पर, लेकिन हमेशा नरम रहो अपने दिल में। अगर जरूरत हो तो फुफकारो पर डसो मत, दिल में प्यार को जिंदा रखो और लड़ते रहो ऊपरी तौर पर। एक नए निर्माण के लिए विध्वंस जरूरी ही नहीं, अनिवार्य है। इसीलिए क्रांतिकारियों को इसे अपने कार्यक्रम के एक आवश्यक अंग के रूप में अपनाना पड़ता है। इसके बाद लेखक परस्पर विरोधी धर्मों की समस्या के बारे में बात करते हैं और वो ये चाहते हैं कि सभी धर्मों में आपस में समान भाव हो। जहाँ तक इस पर मेरा प्रश्न है, तो मैं यहाँ इस मसले को कार्ल मार्क्स के एक वाक्य द्वारा खारिज कर दूंगा कि धर्म जनता के लिए अफीम है। भगत सिंह कहते हैं कि इस कविता का अंतिम पड़ाव इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ लाला रामशरण दास ने भावी समाज के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन रामशरण दास की पुस्तक ड्रीमलैंड असल में एक यूटोपिया है और एक प्रगतिशील समाज के लिए इसका होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
करती हैं। इसलिए इस पुस्तक की भूमिका और भी अधिक बढ़ जाती है। भगत सिंह कहते हैं कि लेखक आजादी के बाद एक प्रगतिशील भारत की कल्पना करते हुए कहते हैं कि हम जो कम्युनिस्ट समाज भविष्य में बनाना चाहते हैं, वहाँ हम धर्मार्थ संस्थाएं बिल्कुल भी स्थापित नहीं करने जा रहे। उस समाज में न तो जरूरतमंद होंगे और न ही गरीब। राम शरण दास ने यहाँ निःशुल्क शिक्षा की भी बात की है और यहाँ उन्होंने रूस की समाजवादी सरकार का उदाहरण भी दिया है। आगे लेखक अपराधियों के सुधार की बात करते हुए कहते हैं कि न्याय व्यवस्था का आधार दंड देना ना होकर सुधारना होना चाहिए और जेलों का रूप वास्तविक नर्क की बजाय सुधारालयों का होना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि लाला रामशरण दास की कुछ पंक्तियां कि जिस राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं वह हिंसक क्रांतियों से स्थापित नहीं हो पाएगा, इसे थोपा नहीं जा सकता बल्कि ये अंदर से विकसित होगा। इन पंक्तियों को सुनकर शायद ये लगता है कि लाला रामशरण दास को क्रांति का रास्ता निरर्थक लगने लगा है और वो अहिंसा के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक क्रांतिकारी होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनके कहने का मतलब ये है कि क्रांति से हम सत्ता पर अधिकार कर सकते हैं और सरकार का गठन भी कर सकते हैं, लेकिन विकास के लिए शिक्षा और शांतिपूर्ण तरीके ही अपनाने होंगे। केवल बाधाओं को कुचलने के लिए ही शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अंत में भगत सिंह कहते हैं कि मैंने इस पुस्तक पर विस्तार से चर्चा की है, बल्कि मैंने तो इसकी आलोचना ही कर डाली है, लेकिन मैं इस पुस्तक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहता क्योंकि उसका एक ऐतिहासिक मूल्य है और मैं विशेष तौर पर नौजवानों के लिए इस किताब की जोरदार सिफारिश करता हूँ, लेकिन एक चेतावनी के साथ कि कृपया आँख मूंद कर अनुकरण करने के लिए इसे मत पढ़िए। इसे पढ़िए, इसकी आलोचना कीजिए, इस पर सोचिए और इसकी सहायता से अपनी समझदारी कायम करने की कोशिश कीजिए। इस किताब को आप सभी के सामने लाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम सभी कम से कम इस बात को जान सकें कि सब कुछ छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण बलिदान करना कोई आसान काम नहीं था। हमारी और आपकी तरह इनका भी एक परिवार था, इनके आगे भी अपना खुद का जीवन था जिसमें ये खुद के लिए और अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इनके लिए फिर भी सबसे ऊपर देश प्रेम था। जेल में रहते हुए इन्हें भी मृत्यु का भय था और परिवार की याद सताती थी, पर इन सबसे भी ऊपर इनकी प्रेरणा का स्रोत था इनका इनकलाब। जेल में रहते हुए इन्हें कई मौके दिए गए कि ये आज़ादी की अपनी जिद को छोड़ दें तो इन्हें जेल से रिहाई भी मिल सकती है, लेकिन फिर भी वो क्या था जिसने इनकी जीवन जीने की लालसा को भी बौना कर दिया। आज आपको और हमें जो आज़ादी मिली है वो इतनी आसान नहीं थी। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि कई लोगों ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही और इंस्पिरेशनल थॉट्स के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।